अच्छा, अभी विकास आ गए हैं तो आज मैं मिलवा दूं आपसे। अब हमने कहा था, मैंने कहा था भाई कि मैं तो बोला दीजिए। तो विकास गुप्ता जिन जिनकी 468 रैंक है, जिनको इंडियन पुलिस सर्विसेज और मिली है EWS कैटेगरी में, विकास का चौथी बार मेंस था। और संयोग से, देखिए संयोग से इन्होंने कहीं से और क्लास किया था, लास्ट मेरे पास टेस्ट सीरीज के लिए आए। तो टेस्ट सीरीज के लिए आए तो अब बाकी वो तो खुद बताएंगे कैसे, कहाँ प्रॉब्लम हुई, कहाँ पढ़ने के बाद भी आदमी लैग करता है, कई बार पढ़ना पर्याप्त नहीं हो पाता, तो बाकी बता देंगे। और उनका भी बैकग्राउंड बीटेक है, बीटेक है। और पहली बार आपको देखो कि विकास की कॉपी मैंने पहली बार चेक की, खुद आप उनसे पूछेगा। मैं पहली बार कहता तुम कमाल कर लिखते हो, लेकिन विषय वस्तु पर कमांड उतना अच्छा नहीं था। और यकीन बनी पूरा वही नोट्स, विकास के 280 मार्क्स हैं पोल साइंस में। तो अब ये सब बातें आप बताएंगे तभी तो बात बनेगी। भाई हिंदी साहित्य में किसी के 280 मार्क्स हैं इस बार? अच्छा, आ जाओ आ जाओ। अब अरे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अरे बस बस ठीक ठीक, अब हाथ में लेकर देखो तो प्रोफाइल बदल जाती है दोस्तों। तो लेकिन विकास खास बात है कि इंदौर से आए, मेरे कहने पे आए, फीवर था भाई, यही तो टीचर का सबसे बड़ा सम्मान है, फीवर होने के बावजूद आए। दो बार कल रात में मुझे फ़ोन, क्योंकि रात में मैं जल्दी सो जाता हूँ, तो रात ये सब रात्रि चर प्राणी है मैं तैयारी करने वाले, कई बार तो इनका जब भी फ़ोन आता है 10:30 बजे के बाद, मेरा फोन मैं उठा नहीं पाता उसको, तो खुद फ़ोन करना ये मतलब दिखाता है कि भाई मैंने कुछ ना कुछ तो किया होगा इनके लिए। नहीं सिलेक्शन के बाद तो आप देख ही रहे हैं, भाई सिलेक्शन के बाद कोई आए मेरे लिए तो ये टीचर का ही बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। बाकी तो विकास से पूछिए, विकास आपको अच्छा बताएंगे। तो भी हमेशा बस एक बात होती है कि आप प्रेरणा लेके आप भी खूब अच्छा करिए। विकास बताओ। हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो मेरा नाम विकास गुप्ता है और मेरी रैंक 468 थी और ऑप्शनल में मेरे 280 मार्क्स हैं, जो वन ऑफ द हाईएस्ट हैं, शायद हिंदी में हाईएस्ट होंगे। तो थोड़ा स्टार्टिंग से बता देता हूँ कि कैसे ये जर्नी स्टार्ट होती है और फिर ऑप्शनल की जो स्ट्रेटजी है तो मैं शेयर करूँगा। और उसके बाद एक्चुअली मैंने ज़्यादा नोट्स नहीं बनाए हैं, तो आप लोग जितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लेंगे, चाहे कितने भी सिली लगें, तो आप लोग क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर तरीके से मैं आपको बता पाऊँगा। तो एक्चुअली मैं ये मेरी जर्नी जून 2018 से शुरू हुई थी UPSC की। और स्टार्टिंग में मेरा ये था कि मैं पहले से प्रिपेयर करके आया था कि मेरे को ऑप्शनल राजेश सर के यहाँ पर पढ़ना है। PSIR ऑप्शनल पहले से फिक्स था क्योंकि इंटरेस्ट था थोड़ा, बट किस्मत से ये हुआ कि राजेश सर की जो टाइमिंग थी वो मेरी GS की कोचिंग से मैच कर रही थी। तो फिर मैं, चूंकि GS का प्रोपोर्शन अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा है ना, ऑप्शनल 500 नंबर का है, GS बाकी पूरा कवर करता है। तो फिर उस टाइम पर राजेश सर से तो मुलाकात हो नहीं पाई, लेकिन किस्मत से 2020 का जब मैं मेंस लिख रहा था तो मैंने सर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। और टेस्ट सीरीज़ में क्या हुआ कि सर ने कॉपी का रिव्यू किया और उसमें उन्होंने पीछे लिख दिया कि आप में टॉपर्स बनने के लक्षण हैं। मतलब अपन एक नॉर्मल स्टूडेंट को राजेश सर जैसा कोई ऐसा व्यक्ति जिनके ऊपर लगभग सभी को भरोसा है कि ऑप्शनल में वो सबसे अच्छे टीचर हैं, तो जब उन्होंने लिखा तो पहले तो मेरे को मजाक लगा, मुझे लगा कि या तो सर ने नहीं लिखा है या तो फिर किसी और ने मजाक में लिख दिया है कि टॉपर्स बनने के लक्षण है। अब मेरा नंबर चूंकि उस समय बंद रहता था तो सर ने मुझे अलग से एक मैसेज किया कि मैं राजेश मिश्रा बोल रहा हूँ और तुम जब भी फ्री हो तो कॉल करो। तो मैंने रिटर्न किया। अब उसमें भी आप सोचिए कि कैसे भरोसा हो सकता है कि राजेश सर खुद कॉल करेंगे। तो मैंने सबसे पहले तो कन्फर्म किया, मैंने कहा आप राजेश सर बोल रहे हैं? तो उन्होंने बोला हाँ मैं राजेश मिश्रा बोल रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी कॉपी काफ़ी अच्छी है और वाकई में लग रहा है कि तुम टॉपर बनोगे। तो मैंने कैजुअली सर से बोला कि सर आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? तो सर ने बोला कि यार मैं इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मैं किसी बच्चे के साथ मजाक तो नहीं करूँगा। और वाकई में 3-4 साल बाद मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो ये अपने आप में शो करता है कि सर का जो एक्सपीरियंस है वो कितना वास्ट है, कितने बेटर तरीके से सर एक बार में गेज कर पा रहे हैं कि आज नहीं तो कल वो टॉपर बनेगा। उन्होंने 2020 में बोला था, थोड़ा लेट हो गए हम, 2022 की परीक्षा में पास हुए, बट अल्टीमेटली सर का एक्सपीरियंस था, उन्होंने कुछ देखा और इसी कारण मैं आज यहाँ पर हूँ।
तो सरकार काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है मेरी जर्नी में। तो दो चीज़ें सर के बारे में मैं यही बोलूँगा कि एक सबसे इम्पोर्टेंट है सर के ऊपर भरोसा रखना। सर यदि कोई चीज़ बोल रहे हैं, जैसे सर अगर आपको बोल रहे हैं कि आपकी कॉपी अच्छी है बट ये कमियां हैं, तो उसको सुधारने की आपको पूरी कोशिश करनी है ना। और दूसरा सर का एक हर बार की लाइन ये रहती है कि तुम अप नेचुरल फॉर्म में रहो, अपने किसी भी टॉपर को देख के अपने जो थॉट्स हैं या जो अपनी राइटिंग स्किल है उसको बहुत ड्रास्टिक चेंज मत करो। कुछ कमियां होंगी तो उसको सुधार लो, बट अल्टीमेटली जो एक नेचुरल आपका फ्लो है उसको मेंटेन करो, तभी तो आप अलग दिखोगे। वहाँ पर 12-14 हज़ार लोगों की कॉपीज हैं, उसमें से PSIR ऑप्शनल बहुत लोगों का होता है, तो आपको खुद ये समझना चाहिए कि अगर आपकी कॉपी सेम सेम रहेगी तो वो क्यों आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देगा। जैसे इंग्लिश मीडियम में मुझे लगता है इस समय सबसे बड़ी कमी मेरे को यही दिखाई देती है कि वहाँ पर कुछ सिलेक्टेड नोट्स है जो आदमी पढ़ रहा है, और आदमी क्या कर रहा है कि वही का वही उतार दे रहा है। तो अगर आपकी कॉपी पिछले वाली कॉपी से अलग नहीं है या आगे वाली कॉपी से अलग नहीं है, तो आपको एक्स्ट्रा 1 मार्क्स नहीं मिलने वाला, या तो उतना ही मिलेगा और या तो उससे कम मिलेगा, क्योंकि और जो चेकर है वो एक बार पढ़ चुका है अपने उसको। तो ये चीज़ को याद रखना है कि अपनी जो नेचुरल फॉर्म है, जो अपना एक लिखने का नेचुरल फ्लो है, उसको हमेशा बनाकर रखना है। और इसके साथ ऑप्शनल की जो मेरी स्ट्रेटजी है तो वो मैं थोड़ी शेयर कर देता हूँ कि ऑप्शनल जैसे PSIR ऑप्शनल है तो उसमें समझना और रटना दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। रटने को हम कई बार समझते हैं यार रटता वो है जिसको कुछ नहीं आता, बट आप खुद सोच कर देखो मेंस में अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं है, आपको प्लेटो के बारे में कितना भी पता है, अगर आप उसके जो थॉट्स हैं, उसके जो वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स होते हैं जो, जैसे प्रत्यय और वो अलग अलग संसार की जो बात करता है, अगर आप वो नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर जो चेक करने वाला है उसको कहाँ से पता चलेगा कि हाँ इस व्यक्ति को प्लेटो के बारे में नॉलेज है। ठीक है, तो रटना भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ सबसे पहला आएगा कि समझना। खासकर ऑप्शनल में अगर आपने जो थिंकर्स हैं उनकी जो एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस है उसको समझ लिया, तो आप खुद से कंटेंट क्रिएट कर पाएंगे और आपको पता चलेगा कि बाद में वाकई में वो थिंकर इसी तरीके से सोच रहा था, क्योंकि आपने उसका जो बेसिक फंडामेंटल है ना वो समझ लिया। चाहे प्लेटो हो, हन्ना आरेंट हो, या कोई भी अन्य जो थिंकर हैं जो हम पढ़ते हैं पेपर वन में, तो उनकी जब भी आप उनको पढ़ना, तो कई बार लोगों को लगता है यार थिंकर में, थिंकर और थ्योरी थिंकर में रटना पड़ता है, बट एक्चुअली में अगर आप उनकी आइडियोलॉजी को समझें, क्योंकि हर थिंकर किसी ना किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को बिलोंग करता है, एक थॉट प्रोसेस को बिलोंग करता है, तो अगर आप उसके क्रक्स को समझ लेंगे, जॉन लॉक किस तरीके से सोचता है अगर आपको पता है, तो आप उसके बारे में कुछ अगर एक्स्ट्रा सेंटेंसेस भी लिख देंगे जो आपके सर ने नहीं पढ़ाया है, जो नोट्स में नहीं लिखा है, वो भी आपको बाद में पता चलेगा हाँ हाँ वो ये भी बोलता था, क्योंकि एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस होती है हर थिंकर की। तो समझना भी अल्टीमेटली सबसे पहली प्रोसेस वही है कि आपको हर थिंकर, हर थ्योरी अच्छे से समझनी पड़ेगी। महात्मा गांधी के बारे में जब आप सर्वोदय वर्ड लिखते हो तो सर्वोदय के पीछे की भावना क्या है वो भी पता होना चाहिए, लेकिन अगर भावना पता है और आपने कोई महात्मा गांधी का क्वेश्चन लिखा और उसमें सर्वोदय या ट्रस्टीशिप वर्ड नहीं आया, तो फिर एग्जामिनर को पता कहाँ से चलेगा कि आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है या आप किसी से क्या कैसे अलग हैं। तो थोड़ा समझने और रटने दोनों की प्रोसेस को पैरेलल चलने देना है। ठीक है, फिर इसके साथ एक चीज़ और आती है बुक्स के बारे में। कई लोग बोलते हैं कि मतलब OP गौबा और भी कई बुक्स हैं, हर सब्जेक्ट पे, हर टॉपिक पे आपको एक बुक मिल जाएगी। मेलोन सर की एक बुक आती है इंग्लिश में, काफ़ी फेमस है, डेविड मेलोन सर की। तो पहले जब हम तैयारी शुरू करते थे या जब मैंने शुरू किया था, तो एक था कि यार बिना इस बुक को पढ़े तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पहले के जो टॉपर्स थे उन्होंने ये बताया हुआ था। और एक्चुअली मैं एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, हर टॉपर की स्ट्रेटजी अलग होती है। ठीक है, तो आप कभी ये मत सोचिएगा कि यार उस टॉपर ने ये बोला था, इस टॉपर ने ये बोला था, आपको क्या सूट कर रहा है ये। आप अब कई टॉपर्स ये खुलकर बोलते भी हैं
कि आपको क्या सूट कर रहा है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। उनने एक्चुअली में पढ़ी थी वो बुक, है ना, और उनको वो फायदा करी इसलिए उन्होंने बताया था। तो क्या हुआ था, स्टार्टिंग में मुझे भी लगने लगा कि यार बिना बुक को पढ़े नहीं होगा, बट जब मैंने अपना टाइम टेबल डिसाइड किया, जब मैंने समझा कि यार मेरे पास कितना टाइम है, कितने घंटे में दे सकता हूँ या कितने साल की ये प्रोसेस है अपनी, तो मुझे समझ में आया कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा ये इतनी बल्कि बुक्स, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। जैसे बाद में मैंने राजेश सर के जो प्रिंटेड नोट्स हैं वो पूरे फॉलो किए थे, और नेट जेआरएफ की एक बुक आती है सर की, काफ़ी फेमस है वो, जिस्ट टाइप का है। तो फिर आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, वो जिस्ट को अगर आप रेगुलर बार बार पढ़ेंगे तो मतलब वो रट जाएंगी चीज़ें, वो बड़ा कंसाइज वे में लिखा हुआ है। मेरे को बाद में पता चला था सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट में, तब मैंने उसको रेगुलरली फिर वो फॉलो किया था थ्रू आउट मेंस, मतलब खासकर जब 4 दिन या 5 दिन जब मिलते हैं ऑप्शनल के बीच में, तो मैंने उसको रिवीजन के लिए यूज़ किया था। तो जो सर के नोट्स हैं ना प्रिंटेड, उन पे मतलब भरोसा रखो कि हाँ आना यहीं से है। कई बार क्या होता है कि बस वो हमारे मन में रहता है कि यार हमने ओपी गौबा नहीं पढ़ी है तो हमारे नंबर नहीं आएंगे, बट आप जब प्रीवियस ईयर जो आप जस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखेंगे 70-80% बन जाएंगे। 20% जो होता है ना वो कोई टीचर नहीं करा सकता। आप अगर ये सोच रहे हैं कि 100% कोई टीचर आपको यूपीएससी में सिलेक्ट करा देगा, फिर आपको ये समझना चाहिए कि आप 12वीं का एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप आईएएस बनने वाले हो, पूरे जिले को समझाने वाले हो, समझने वाले हो। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यार टीचर ही सब काम कर देगा? आप में खुद की भी तो कोई समझ होनी चाहिए। तो वो जो 10-20% का रोल है वो वहीं पर आता है जहां पर आपको अपना एफर्ट डालना पड़ेगा। बाकी जो सर के नोट्स हैं प्रिंटेड नोट्स, रिटर्न तो चूंकि सर कराते ही हैं तो और हाँ एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जो रिटर्न के नोट्स हैं, सबसे पहली चीज आपका लक्ष्य यही होना चाहिए कि रिटर्न के नोट्स पे कमांड होनी चाहिए। केवल आपको पढ़ना नहीं है, आपको वर्ड बाय वर्ड जब आप इमेजिन करो तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि ये किस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड लिखा था या राइट हैंड साइड लिखा था। इतना आपको सबसे पहले बेसिक जो रिटर्न सर के नोट्स हैं उस पर कमांड बनानी है। उसके बाद प्रिंटेड नोट्स से उसको सब्स्टिट्यूट, थोड़ा जो एक्स्ट्रा है वो सर के जो प्रिंटेड नोट्स हैं वो चूंकि सर रेगुलरली अपडेट करते हैं। अभी पिछले साल मेरे को कुछ टाइम पहले, मैं चूंकि हमको भरोसा नहीं होता है कि हम सिलेक्ट होने वाले हैं, तो मैंने IGP के नोट्स मंगाए थे सर से, बट वो उस टाइम पे अपडेट हो रहे थे, तो वो प्रिंटेड नोट्स रेगुलरली अपडेट होते हैं। तो उससे फिर आप एडिड जो भी चीज़ें हैं एक्स्ट्रा वो अपने नोट्स में ऐड करिए। सबसे पहले अपने जो रिटर्न नोट्स हैं उस पर कमांड बनाइए, उसके पश्चात अपने जो प्रिंटेड नोट्स हैं उससे ऐड करिए। इसके साथ शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए रेगुलरली। शॉर्ट नोट्स में मैं अपना टेलीग्राम का चैनल बता दूंगा आप लोगों को, तो आप उसमें, मैं अभी तो चूंकि नोट्स मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, बाद में मैं उनको अपलोड करूंगा। तो आपको करना कुछ नहीं होता है, सिंपल आपने एक जगह पे कोई थिंकर लिखा और उसके केवल जो कीवर्ड्स हैं, जैसे आपने महात्मा गांधी लिखा उसके नीचे बस उनके कीवर्ड्स लिख दीजिए, ट्रस्टीशिप थ्योरी, सर्वोदया, अगर उसमें कुछ 2-4 शब्द और जोड़ने हो तो जोड़िए, वरना उसमें कुछ मत जोड़िए, क्योंकि जो आप रिटर्न में पढ़ रहे हैं ना, जो नोट्स हैं एक्चुअली में, वही आपको समझ में आएंगे। शॉर्ट नोट्स का काम केवल होता है कि एक दिन पहले आपको कीवर्ड्स दिमाग में आ जाएं। जैसे जो 2 घंटे का बीच में गैप भी होता है, कई लोग क्या करते हैं कि उसमें, मतलब हर किसी का खैर अपनी स्ट्रेटजी होती है, मेरी ये होती है कि यार लास्ट तक ट्राई करना है। कई लोग होते हैं कि बीच में छोड़ देते हैं, वो भी टॉपर हैं, मैं भी अल्टीमेटली सिलेक्ट हो ही गया हूँ। तो उस 2 घंटे के बीच में कई बार क्या होगा कि आप वो, अगर वो 1-2 पन्ने का नोट्स है ना तो आप तुरंत रिवाइज कर लेंगे, तो उसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जो समझ है वो तो एक्चुअली में आंसर में आएगी ही, बट जो कीवर्ड्स हैं वो आपको तुरंत रिवाइज हो जाएंगे। तो शॉर्ट नोट्स भी रेगुलरली बनाइएगा। इसके साथ टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है इसमें एक, तो टेस्ट सीरीज में सर मेरे को बार बार समझाते थे, मतलब ये मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि वही चीज जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि केवल समझ नहीं शो होनी चाहिए उधर पे, आपको प्लेटो के बारे में पता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने उसके कीवर्ड्स या शब्द नहीं लिखे हैं
तो टेस्ट सीरीज में आप रेगुलरली कोशिश करिए कि वो जो सर बता रहे हैं वो रिफ्लेक्ट हो, तुरंत नहीं होगा। मतलब मैं 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ सर को, फिर भी अभी तक जो परफेक्शन है वो नहीं आ पाया है। सर ने बीच में जब मैं 2022 की टेस्ट सीरीज लिख रहा था तो सर ने काफ़ी गंदा डांटा भी था मेरे को कि तुम अभी भी तुमने सुधार मतलब वैसा नहीं आया जैसा मैं चाहता हूँ। तो ट्राई लेकिन आप कर सकते हो, आप सर जैसा बता रहे हैं कभी भी 100% तो देखो अचीव नहीं होने वाला है, हमेशा इस चीज़ को याद रखो। बट कम से कम आपके हाथ में है मेहनत और ट्राई करना, तो आप इनकलकेट करने की कोशिश करो। सर जितना बता रहे हैं उतना नहीं, 20% 30% फिर उसको 50-60 जितना मैक्सिमम हो सके उतना बढ़ाओ। और टेस्ट सीरीज मतलब रेगुलरली करो, मेंस में टेस्ट सीरीज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, चाहे वो GS हो या ऑप्शनल हो। तो टेस्ट सीरीज को काफ़ी सीरियसली लेना है और कोशिश करनी है कि इम्प्रूवमेंट हो। एक बार लिखने पे अगर सर ने कुछ बोल दिया तो उसको दिल पे नहीं ले लेना है कि यार सर ने ये बोल दिया, चिल्ला दिया तो क्या करना है। सर ने मेरे को बहुत गंदा चिल्लाया था, मतलब मेरे को बुरा सा लग गया था। मैंने सोचा यार मतलब ठीक है नंबर कम आ रहे हैं, पर एक लगता है कि नहीं यार ठीक ठाक लेवल पे हूँ मैं। फिर बाद में सर ने खुद रिटर्न कॉल भी किया कि बेटा ज़्यादा बुरा तो नहीं लग गया। तो ऐसा भी होता है। तो सर की बात को अल्टीमेटली कोशिश करनी है, सर की बात जो सर, जैसे मैंने बोला कि सर को फॉलो करना है, 100% कोई फॉलो नहीं कर सकता किसी टीचर को, किसी बुक को आप 100% कभी फॉलो नहीं कर सकते। तो उसका मतलब ये नहीं है ना कि हम बैठ जाएं, हमारा काम है कि हम उसको ट्राई करें बेटर करने का, तो वो करना है। और वही चीज़ है कि बुक्स के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है, भरोसा करना है सर के नोट्स पे। और इसे एक चीज़ याद आई कि टेस्ट सीरीज में सर कई बार ना बड़े अटपटे से क्वेश्चंस देते हैं, वो सर शायद पता नहीं मुझे कि उन्होंने रिटर्न में लिखाए भी होते हैं या नहीं, बट वो पढ़ के ये लगता है यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, बट वो क्वेश्चन एक्चुअली में एग्जाम में आए हैं। पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो ट्रेडिशनली हम नहीं फॉलो करते हैं, ऐसे क्वेश्चन है। एक कल्चरल रिलेटिविज्म, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, शायद यही टर्म था, तो वो आया था। सर ने एक्चुअली में ये टेस्ट सीरीज में पूछा था और वो किसी ट्रेडिशनल, मेरे को नहीं लगता कोई भी टीचर पढ़ाया होगा वो, बट वो एक्चुअली में आया। तो फिर मैंने उसको सर्च किया था, तो सर्च करते हो आप तो समझ में तो आ ही जाता है, भले आपको क्रक्स तो समझ में आ ही जाता है, भले आपको वर्ड्स याद ना हो बट आप समझ जाते हो कि इसका मीनिंग क्या है। और फिर वो बाद में जब वो क्वेश्चन आया था तो देख के आंखें चमक गई थी कि यार ये क्वेश्चन अगर मैंने नहीं पढ़ा होता, क्योंकि हमको लगता है ना कि यार ये तो ट्रेडिशनल से बाहर का है, तो सर ने मतलब ऐसी जबरदस्ती का टफ बना दिया पेपर, ये तो नहीं आने वाला। क्योंकि कोई भी टीचर, जो भी आप जिन टीचर्स के नाम जानते हो, काफ़ी रिनोन्ड काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं यहाँ पर ऑप्शनल में, आपको लगेगा कि यार ये तो किसी ने नहीं पढ़ाया होगा तो ये कहाँ से आ जाएगा, बट वो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन लिटरली आए हैं। कम से कम 2-3 क्वेश्चन मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ। तो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन को काफ़ी सीरियसली सर्च करना है, खासकर जहाँ, अब जैसे प्लेटो के बारे में सर ने कुछ पूछा, वो फिर भी आपने पढ़ा हुआ है ना, बट सर ने अगर कोई नया क्वेश्चन दिया है किसी भी पार्ट में तो उसको सर्च करके उसको समझने की कोशिश करना है। तो ये आप अपने पार्ट में, वही चीज़ है कि हर चीज़ सर करके नहीं देने वाले हैं और आपको एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। अब जैसे प्रीलिम्स का पेपर था अभी जो हुआ, काफ़ी हार्ड था, बट आप ये नहीं सोच के जा सकते ना कि यार वहाँ पर बैठ के आप ये नहीं सोच सकते यार इतना हार्ड पेपर है कैसे होगा। आपको मेंटेलिटी वही लगानी है कि चाहे सर नीचे पैर ऊपर करके निकालना पड़े मैं करूंगा, और होता भी है लिटरली। आप भरोसा नहीं करेंगे, जितने जो साथ में मेरे प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनके ऊपर पता था कि यार इनका निकलेगा तो उनका निकला है, पढ़ा उनने कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, वो 1 साल से पता चला पढ़ ही नहीं रहे हैं। पर आपकी जो मेंटेलिटी है ना वो ये होनी चाहिए कि वो कुछ भी पूछे मैं तो करूंगा, चाहे जैसे करूं, चाहे कोई सा भी लॉजिक लगाऊं, चाहे वो प्रीलिम्स हो मेंस हो, आप की जो मेंटेलिटी है वो ये होनी चाहिए कि मैं करूंगा। तो वो मेंटेलिटी अगर आप लेके जाएंगे तो मुझे पक्का भरोसा है कि उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मुझे मिला है। जो भी मैं यहाँ पर एक्चुअली बातें कर रहा हूँ वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, सर से मेरी कोई बात नहीं हुई है कि यहाँ पर आकर ये बताना है। सर से केवल सुबह मैसेज, मैंने बस टाइमिंग पूछी थी कि सर कितने बजे आना है, सर ने बोला 10 बजे आना है, उसके अलावा सर से कोई बात नहीं हुई है कि यहाँ पर आकर क्या बोलना है। बल्कि मुझे पहले लगा था,
जब 2 दिन पहले सर ने बोला था कि आना है, तो मुझे लगा था कि सर कुछ तो बताएंगे कि यार ये बताना वो बताना है, बट सर ने कुछ बात ही नहीं की, तो वो एक और प्रेशर आ गया मेरे ऊपर कि क्या ही बताना है। तो लास्ट में जो भी मैं बता रहा हूँ वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आपको हर चीज़ खुद सोचकर इम्प्लीमेंट करनी है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार बुक पढ़नी ही है, तो फिर आप पढ़ो। ऐसा नहीं कि बुक पढ़ के लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बुक पढ़ के भी लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। तो अल्टीमेटली आप पर ही बात आएगी, मुझे ये लगा था कि इसका कोई सेंस नहीं बनता। 1 साल की एग्जाम प्रोसेस है, ऑप्शनल एकमात्र एक सब्जेक्ट ही है ना PSIR, उस पर अगर आप 10 बुक पढ़ोगे तो वो मेरे को इलॉजिकल लगा था, तो इस कारण मैंने वो नहीं पढ़ा था। प्रिंटेड नोट्स में जनरली सर हर बुक को रेफर करते हैं, रेफरेंस भी लास्ट में सर देते हैं कई बार, तो वो फिर मेरे को लगा कि बुक पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता है, लॉजिक नहीं बनता है, तो मैंने इसलिए बुक फॉलो नहीं की। आपको अगर लगता है, आप कन्विक्शन है आपके अंदर कि नहीं मैं तो बुक पढ़ के ही करूँगा, तो फिर आप करो। और होता भी है, बिल्कुल इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं कि यार सर ने बोला, मैंने बोला था कि नहीं यार बुक नहीं पढ़नी है तो बुक पढ़नी नहीं है, बुक पढ़ना है आपकी इच्छा है। जो मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मोइन सर भी कल आए थे शायद आप लोगों की क्लासरूम में, तो उनसे मेरी बात हुई थी एक्चुअली, मैं कल हम लोग प्रयागराज में थे तो उनसे भी यही बात हुई थी, तो लास्ट उन्होंने भी सीधे यही बोला कि यार मैंने तो कुछ भी फॉलो नहीं किया, कोई बुक फॉलो नहीं की, सर के नोट्स बस पढ़े थे, क्योंकि वो रेगुलर स्टूडेंट थे तो उनके पास रिटर्न नोट्स भी थे सर के, तो उन्होंने सीधा यही बोला कि यार मैंने तो कुछ फॉलो नहीं किया था। मैंने कहा मैंने भी कुछ फॉलो नहीं किया था। तो आप देखेंगे ना मोर और लेस हर किसी की स्ट्रेटजी ना लगभग सेम है, जो मैं बता रहा हूँ हो सकता है 80-90% जो पिछले वाले सर जिनका कल सेमिनार था उन्होंने वो बात बोली होगी। तो कुछ कुछ चीज़ें जो कॉमन है आपको लगता है कि हाँ फायदे की चीज़ है तो उसको फॉलो कीजिए। इसके साथ कुछ चीज़ें और ऑप्शनल के बारे में, जैसे ये है कि जो थ्योरी वाला पार्ट है और जो Paper 2 का करंट अफेयर वाला पार्ट है उसको हमेशा लिंक करने की कोशिश कीजिए। केवल उसको करंट के उससे मत देखिए कि केवल रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है तो हमको ये पता होना चाहिए कि डोनबास रीजन कहाँ पर है और रूस ने कितने तारीख को हमला किया, कितने बजे पहली मिसाइल छोड़ी, ये सब चीज़ें कोई सेंस नहीं बनता। सेंस ये बनता है कि वो यथार्थवादी नीति है। सेंस ये बनता है कि अभी भी कितना भी UN या आदर्शवादी संस्थाएं बन जाए, यथार्थवाद हमेशा जरूरी है। ठीक है, तो बिल्कुल ये करंट का मतलब बात, कल एक्चुअली मैं जब मैं सेमिनार दे रहा था तो मैंने ये बात बोली थी कि मेरे को करंट का रोल 0 लगता है। एक्चुअली में 0 नहीं होता है, बट जितना हमने हाइप बना रखा है ना करंट अफेयर का उतना नहीं होता है। फिर सर ने लास्ट में यही बात बोली कि यार मैं भी बच्चों को यही समझाता हूँ कि करंट का रोल बहुत मिनिमम है जितना आप सोच रहे हो। अल्टीमेटली हर चीज आएगी आपके फंडामेंटल्स पे, आपने कितना समझा है, चाहे आप प्रिलिम्स की बात करो, चाहे आप मेंस की बात करो, चाहे आप इंटरव्यू की बात करो, मतलब हर स्टेज में जो चीज आपको फाइनली इन कराएगी ना वो बेसिक होगा आपका। करंट केवल आप ऐड करते हो कोई चीज, आपको कोई फैक्ट बड़ा अच्छा सा पता चल जाता है तो वो आप ऐड कर देते हो, उसका कितना मार्क्स मिलेगा, आधा मार्क्स, 1 नंबर मिल जाएगा एक्स्ट्रा। जो 10 में 5 या 6 नंबर हैं उसमें 4 नंबर बेसिक के ही हैं, चाहे वो IR का ही जो सेकंड पेपर का सेकंड पार्ट है वो फुल करंट अफेयर लगता है, लेकिन एक्चुअली में उसको भी आपको थ्योरी से लिंक करना है। वो मैं पहले नहीं करता था, वो सर ने फिर बाद में मुझे समझाया था, खासकर टेस्ट सीरीज का जब सर एनालिसिस करते हैं तो उसमें उन्होंने समझाया था, और कई बार फिर पर्सनल बात भी हुई थी तो सर ने फिर उसमें भी बताया था कि अल्टीमेटली आपको थ्योरी को लिंक करना है करंट अफेयर से। एक न्यूज़पेपर से ज़्यादा कुछ भी करंट का सोर्स फॉलो नहीं करना है। मैक्सिमम 1 मंथली मैगजीन पढ़नी है, जितना मेरा कन्विक्शन है 1 मंथली मैगजीन इज मोर देन सफिशियंट। कौन सी फेमस है वो सब आप देख सकते हो, मतलब हर किसी को पता है ज़्यादा फेमस कौन सी है, तो वो मंथली मैगजीन आप एक फॉलो करो। ऑप्शनल के लिए कुछ बहुत अलग से करंट अफेयर नहीं पढ़ना है कि न्यूयॉर्क टाइम्स आप पढ़ने लगे, पढ़ने वाले हालांकि पढ़ रहे हैं, मैंने कुछ लोगों को देखा था वो भी टॉपर है, तो वो वही चीज़ है, पढ़ने वाले तो बहुत कुछ पढ़ रहे हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही है कि आप कोई भी एक डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, उसको एक मंथली मैगजीन से सब्स्टिट्यूट करो, और न्यूज़पेपर के ज़्यादा नोट्स बनाने के चक्कर में मत पढ़ो।
भले ही आपका ऑप्शनल PSIR है, इसका मतलब ये नहीं कि आप IR का कोई सा भी एडिटोरियल आया और आपने बिल्कुल 10-15 लाइन का बढ़िया सा उसका एनालिसिस लिख लिया, कोई सेंस नहीं बनेगा उसका, क्योंकि एक्चुअली में लास्ट में इतना बड़ा बंडल हो जाएगा कि आप उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे। और वही मैंने बताया, करंट का इतना रोल ही नहीं है। सबसे मेन क्या है, सर के जो रिटर्न नोट्स हैं उस पर कमांड बनाना, उसके बाद आपको एक दो लाइन कोई बहुत ज्यादा बढ़िया मिल गई, केवल और केवल आपको उसको लिखना है किसी नोट्स में। कोई बहुत अच्छा फैक्ट मिल गया, फैक्ट मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह बस फैक्ट ही पूरे नोट डाउन कर लिए। कोई बहुत ऐसा कॉमन फैक्ट मिल गया जो आप हर जगह यूज कर पा रहे हो या आप हर जगह यूज कर सकते हो, तो फिर आप उस करंट अफेयर के फैक्ट को अलग से लिख लो। और ये केवल ऑप्शनल के लिए नहीं है, प्रिलिम्स मेंस में भी यही है कि मतलब GS के लिए आप हर एडिटोरियल का नोट्स मत बनाओ, बनाना है बना लो, आपको एक साल बाद पता चलेगा कोई सेंस नहीं था उस चीज का। क्योंकि मैं इस जर्नी में 5 साल से हूं, तो वो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि एडिटोरियल के शॉर्ट नोट्स बनाने का कोई सेंस नहीं है, वो केवल आपकी समझ के लिए है। आप एडिटोरियल को जब आप पढ़ते हो तो आपकी एक समझ बनती है, तो आपका काम समझ बनाना है। और वो जब आप आंसर लिखेंगे ना, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, वो जो समझ है वो आपको अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट होगी। तो ये कुछ चीजें थी। और एक और चीज आती है ऑप्शनल में, कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी आइडियोलॉजीज पढ़ते हैं तो हम आइडियोलॉजी से बहुत इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं। कई बार हमको लगता है कि हम समझदार हैं, मतलब हमको लेफ्टिस्ट होना है, हम समझदार हैं मतलब हमको तो बिल्कुल भगवान का विरोध ही करना है ना। कार्ल मार्क्स जब आप पढ़ेंगे तो कार्ल मार्क्स काफी लॉजिकल बातें करता है, तो हमको लगता है कि नहीं यार बस यही एक प्राणी है जो सही है। बट जब आप इन दी एंड जब आप सब कुछ पढ़ लेंगे, आपको रियलाइज होगा कि हर किसी की अपनी इंपॉर्टेंस है, हर आइडियोलॉजी की अपनी कमियां हैं। तो कम से कम जब तक आप प्रिपरेशन के स्टेज में हैं, तो अपने आप को थोड़ा न्यूट्रल रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट होगा। अगर आप किसी भी आइडियोलॉजी से बायस्ड हैं तो वो आपकी आंसर कॉपी में दिखेगा, आपको पता नहीं चलेगा, आप जानबूझकर नहीं करेंगे, आपको लगेगा मैंने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, बट वो रिफ्लेक्ट करेगा। और समझदारी भी यही है कि अल्टीमेटली हर किसी हर इंसान में कमियां होती है, तो कभी भी किसी आइडियोलॉजी किसी एक पर्सन से इन्फ्लुएंस मत होइएगा। महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता मानते हैं, बट उनमें भी कई कमियां थी। तो हाँ, ये हो सकता है कि हाँ ज्यादातर चीजें उनकी अच्छी हैं तो हम ज्यादातर चीजें फॉलो करते हैं, अहिंसा से बेटर कोई ऑप्शन है नहीं तो हम उसको फॉलो करते हैं। तो उसको इतना ही तक रखिएगा, कार्ल मार्क्स काफी लॉजिकल बातें करता है तो अच्छा लगता है कि हाँ हमको लॉजिकल बातें करनी चाहिए, क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहिए हर चीज का, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस हो जाएं, क्योंकि वो अगर आप होंगे ना, तो मेरे साथ क्योंकि हो चुका है, मैं 5 साल में लगभग हर एक्सपीरियंस कर चुका हूं, तो उसमें क्या होगा, आपका टाइम खराब होगा, आप बैठे बैठे दुनिया भर की समस्याएं सोच लेंगे कि अच्छा ये है, अब मैं क्रांति कैसे कर दूं। आप अकेले कर नहीं सकते क्रांति, फिर आप सोचेंगे मैं किसी पार्टी में शामिल हो जाऊं, फिर आपको लगेगा नहीं यार उसमें तो टाइम खराब हो जाएगा, फिर आप पार्टी में शामिल भी नहीं हो पाएंगे और आप जो क्रांति करना चाहते हो क्रांति भी नहीं कर पाएंगे, आप बस डिलेमा में रहेंगे कि करना क्या है। तो पहले आप सिलेक्ट हो जाइए, बाद में 20-30 साल जॉब करने के बाद छोड़ने के बाद फिर आप आराम से क्रांति करिए, कोई भी एक आइडियोलॉजी को फॉलो करिए, क्योंकि हर कोई करता है। मैंने जब बोला आपको कि आप न्यूट्रल रहिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप न्यूट्रल हो जाएंगे, न्यूट्रल कभी कोई इंसान नहीं होता है, आप किसी ना किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को जरूर एक इन्फ्लुएंस रहेंगे, बट कोशिश ये करनी कि हमको मिनिमम रहना है, हमको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, क्रांति करेंगे 30 साल बाद करेंगे, अभी पहले पढ़ लेना है, मम्मी पापा ने थोड़े पैसे लगाए हैं उसका सदुपयोग कर लेना है, सिलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद आप आराम से करिएगा जो भी आपकी इच्छा है। ठीक है, क्योंकि आप लोग को हो सकता है कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया भी हो इस चीज़ को, मैंने किया था तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये क्रक्स मुझे लगता है मैंने लगभग सब बता दिया है, और आप लोग जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकें, वैसे तो चूँकि कल सेमिनार हो चुका है तो आधे क्वेश्चन के तो जवाब होंगे आप लोगों के पास, और आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप डाउट पूछ लीजिए, तो उसमें ये रहेगा कि क्वेश्चन आंसर के रूप में आप ज़्यादा बेटर तरीके से बता पाते हो, क्योंकि मैंने भी पहले से कुछ प्रिपेयर नहीं किया था तो कई चीज़ें हो सकता है मैं स्किप कर दिया हूँ, तो अगर आप लोग कोई पास कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए।
तो मेरे को लगता है अभी तो ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, तो फिर सर तो एक बार और विकास को हम धन्यवाद देते हैं कि वो आए, और मतलब संयोग की बात है, कोई डांटने वाला स्वभाव है नहीं दोस्तों, आप लोग जानते हो, रेयरली मैं किसी को डांटता हूं, और संयोग की बात है, दो को डांटा दोनों आईपीएस बन गए। मतलब संयोग की बात है, से कुछ ऐसा हो गया, चूंकि विकास बहुत जुड़े थे लगातार, इन सर भेजते थे, क्योंकि इंदौर से ही लगातार, दिल्ली बहुत कम रहे, और शायद इसीलिए, नहीं तो पोल साइंस लेते भी नहीं, अगर दिल्ली रहते तो पोल साइंस लेते, उसमें डाउट है। तो ये बड़ा अच्छी बात है कि लोग दूर से ही रहे। तो एक खास बात ये है कि एक है पूजा वशिष्ठ, अभी हरियाणा में आईपीएस है, तो पूजा को मैं एक बार कई बार मैं बता, कैसे स्पेस करके लिखो, स्पेस करके लिखो, एक बार बताया, दो बार, तीन बार, चौथी बार, इनको तो मैंने फोन पे से अब इतना जोर से डांट दिया था मुझे, बाद में जब विकास ने कहा तब रियलाइज हुआ, लेकिन थोड़ा सा ऐसा था, कई बार रियलाइज हो जाता है लोगों को। पूजा को तो मैंने आमने सामने डांटा था, लड़कियों को वैसे भी डांटना बुरा है, मतलब वो लिटरली रोने लगी थी, क्योंकि मुझे इस बात पर गुस्सा आया कि मैं चार बार जो रिमार्क कर रहा हूँ तुम इसको इम्प्रूव नहीं कर रही, तो इसका मतलब तुम मजाक कर रही हो। तो बाद में जब आईपीएस बन के, मैंने कहा अब तो मेरे लिए बोलेगी नहीं है। मुझे यकीन नहीं था कि नहीं, अब विकास ने बाद में बताया कि ये घटना मुझे भूल चुकी थी, मैंने विकास को डांटा था, तो बाद में उसने बताया कि सर आपने मुझे डांटा भी था, लेकिन पूजा का तो मुझे याद था कि मैंने उसको डांटा था। तो लेकिन बाद में उसने, पूजा ने उतनी ही शिद्दत से हमारे मेरे को उसको लगा कि भाई अगर मैंने, देखो टीचर और पेरेंट्स का रोल लगभग एक जैसा होता है, हम हमेशा आपको कोशिश करते हैं कि आपकी भलाई हो, क्योंकि आप देखो इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में आपकी सफलता से दो लोग ज्यादा खुश होते हैं, पेरेंट्स और टीचर, बाकी सब आपके कॉम्पिटिटर हैं। बाकी तो आपको लगेगा कोई अब रिलेटिव है सफल हो गया तो मिठाई लेके चला गया, लेकिन अब ये हो गया बताओ हमारे घर को दबा देगा, है तो रिलेटिव, अब उसका बैलेंस ऑफ पावर गड़बड़ा गया, यही तो आईआर है। इसी दुनिया में बड़े कंपटीशन है, लेकिन टीचर और पेरेंट्स ये सोचते हैं कि उनके स्टूडेंट उनके रिकॉर्ड को तोड़ें, उनसे आगे बढ़ें, तो ये सच में टीचर के लिए सबसे सफलता का दिन होता है। और मैं बार बार कहता हूँ जिनके जैसे विकास आए, किसी के मैं ये नहीं कहता कब बोलना क्या है, जो आप यहाँ से जुड़े हो, जो आपको लगा वैसा बोलो। और ये बात मैं बार बार कहता हूँ, जिनके बारे में मैं बोलता हूँ उनको मेरी पीठ के पीछे भी जाके पूछना, मैंने कहीं किसी को बोल दिया कि यार आज विकास ने बोल दिया, तो इंदौर भी कोई आपका परिचित होगा तो विकास से पूछवा लेना। तो ये बात हमने कोशिश की है कि इतना में ऑथेंटिसिटी रहे कि हम कम से कम बच्चों के साथ तो सही ईमानदारी बात करें, और बाकी तो चयन करना आपका काम है। तो आज क्लास यहीं भी खत्म कर दें, आज थोड़ी सी शॉर्ट, अब इसके बाद क्लास शुरू करना ठीक भी नहीं है, तो बाकी फिर ये कंटिन्यू है कल 8:15 पे, आज के लिए इतना है।